स्टील की सिंक पर स्टील का जूना यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में जानेंगे कौन सा जूना यूज करना चाहिए, ठीक है। और स्टील सिंक को कौन सी चीज़ें बिल्कुल चमका देती हैं और कौन सी चीज़ें खराब कर देती हैं, चलिए जानते हैं इस छोटी सी वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो कभी भी स्टील की सिंक पर आपको जो यूज नहीं करनी चाहिए वो है एसिड और हार्पिक। गलती से भी इस चीज़ को यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपने कर भी लिया है तो फिर से आप चमका सकते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी स्टील का जूना यूज नहीं करना चाहिए, स्टील की सिंक हो, स्टील की कोई भी चीज़ हो, क्योंकि स्क्रैच आ जाता है उस चीज़ से। ये देखिए, इस तरीका का जूना ले लेना है, बहुत ही बेहतरीन होता है। नया जूना लें और इस पर रगड़ें, जितनी भी गंदगी है, जितना भी कालापन है ना, ख़त्म हो जाता है। अगर हार्पिक यूज कर लिया है गलती से तो आप शैम्पू ले सकते हैं, इनो ले सकते हैं, ठीक है। शैम्पू हल्का सा डाल दें इस तरीका से और बिल्कुल चमक में आ जाएगा। लेकिन ये नया वाला जूना आपको ले लेना है, इस तरह से रगड़ना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैंने वीडियोस में बताया है, बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं स्टील सिंक के ऊपर, स्टील की चीज़ों को चमकाने के लिए। तो जैसे ही मेरे पे कमेंट आता है, मैं उसी आधार पर वीडियो बनाता हूँ। देखिए, इस तरह से रगड़ देना है, ठीक है। इसके बाद में धो लेंगे इसको। देखिए, इस तरह से चमका सकते हैं शैम्पू से। शैम्पू ले सकते हैं, कोई लिक्विड ले सकते हैं, हार्पिक या तेजाब लेने की ज़रूरत नहीं है और स्टील का चूना लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टील के चूने के ऊपर ही मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। स्टील का चूना यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस तरीके का मेरे पास में कमेंट आया था, ठीक है। तो स्टील का चूना कभी भी स्टील की किसी भी चीज़ पर यूज ना करें। स्टील सिंक पर अगर गलती से हार्पिक यूज कर लिया है ना, तो आप शैम्पू एक दिन छोड़ के एक दिन यूज करना शुरू कर दीजिए, जो चमक है ना फिर से वापस आ जाएगी। बेहतरीन तरीका है ये। कभी कभी बीच बीच में इनो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ट रहेगा। शैम्पू ज़्यादा खर्चा भी नहीं, 1 रुपये का है, 10 रुपये का आता है इनो, तो शैम्पू ले सकते हैं, कास्टिक होता है उसके अंदर हल्का। इस तरीका से हम स्टील की सिंक को चमका के रख सकते हैं। स्टील का जूना गलती से भी यूज ना करें, अगर कर लिया ना तो स्क्रैच आ जाएंगे बहुत बुरी तरह से, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।